अस्सलाम वालेकुम फन मस्ती पे तायदा शाह में खुश आमदीद। आज जो मैं डिश बना रहा हूँ उसका नाम है चिकन कढ़ाई। कढ़ाई को हम बना रहे हैं शान के कढ़ाई मसाले से खसूसन, और इसमें जो अज्जा हैं सबसे पहले तो चिकन है। ये तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया होगी। टमाटर 1 से 2 अदद लिए हैं मैंने, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। हरी मिर्चें हैं 4 से 5। सजावट के लिए धनिया और अदरक है जूलियन कटा हुआ। तेल 4 से 5 खाने के चमचे। अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे जो मसाला जाते हैं आधा 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च, हसबे जायका नमक, पिंक सॉल्ट है और हरा धनिया जो है वो गदरा गदरा पिसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिक्सिंग बाउल में जो ये हमारी चिकन है इसको मिक्स करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मसाला जाते हैं ये मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, हमारे पास शान का जो कढ़ाई मसाला था, शान का कढ़ाई मसाला, ठीक है, ये अब इसमें मिक्स कर देंगे। इसको फोल्ड करेंगे, पानी का छिड़काव देंगे इसमें और फोल्ड करेंगे। पानी का छिड़काव दिया थोड़ा सा, ठीक है, और इसको अब हाथों से ही लाइक दिस मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको मैरिनेट करेंगे हम तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा हम इसमें मैरिनेट कर लेंगे, जब तक हमारे बराबर में जो कुकिंग हो रही है वो भी उसको भी 25 मिनट होंगे और वो बन जाएगा। ये मैरिनेट हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ घर के मसाले और शान का कढ़ाई मसाला अदरक लहसुन के साथ चिकन में मिक्स कर दिया है। अब हम 1 घंटे बाद इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे और फिर हम कुकिंग का आगाज़ करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। ये देखें कढ़ाई कैसी है मेरी माशाल्लाह से। अब इसमें जो है 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ये तेल चला जाएगा, ठीक है। और तेल जाने के बाद जो है इसमें जो ये टमाटर है ये चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। तो ये टमाटर को हम इसमें गलाएंगे, थोड़ा सा तेज़ आंच कर देंगे दरमियानी सी, और इसको हम गलाएंगे और साथ ही साथ फिर चिकन डालेंगे और फिर गार्निश करेंगे। जहाँ पानी दरकार होगा वहाँ पानी डाल देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन जहाँ पानी दरकार होगा वहाँ पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, आप देखें कढ़ाई बकायदा मैं दिखा रहा हूँ कढ़ाई, आप इस तरह की नहीं, अगर इस साइज़ की कढ़ाई थोड़ा बड़ी है तो फिर वाले नहीं आ रहे, आपकी रेसिपी और अच्छी बनेगी। शान की जो अपनी ऑथेंटिक रेसिपी है उसको मैं थोड़ा बहुत फॉलो भी कर रहा हूँ और थोड़ा अपना फ्यूजन मिला रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर उसको फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहा हूँ, मुझे फॉलो करते रहें। अब इस स्टेज पे मैं इसको हल्की आँच करके जो टमाटर हैं वो गल जाने तक, यानी थोड़े से ये नरम हो जाए उस वक्त तक हम इसको ढक देंगे। 3 से 4 मिनट की बात है, मिलते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर टमाटरों को जल्दी गलाना है आपने तो इतनी आधी प्याली आप पानी डाल दें, ठीक है, और फिर इसको आप भले ही, लेकिन ये जो आपका टमाटर है ये इसका मसाला शोर करना चाहिए, देखें लाइक दिस, और अब इस स्टेज पे आप ढक दें इसको। पूरा पानी डालेंगे तो शोर ख़त्म नहीं होना चाहिए इसका। साथ ही साथ आँच को देख लीजिए। अच्छा, लीजिए टमाटर हमारे नरम हो गए। अब जो चिकन है ये वाली, ये हम गाढ़े इसमें ऐड करेंगे, बारी बारी ऐड करेंगे इसमें। ऐसे आप उठा के डाल दें अंदर, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए आप डालें और इसको फोल्ड करें, ठीक है। अब आप इसको फोल्ड करेंगे, ये जो बचा हुआ सालन है इसको आपने जो मैरिनेटेड ये सिरप है ये भी ज़ाया नहीं करना है, थोड़ा पानी में आप करें और इसको डालें। यहाँ पे एक और बात काबिले गौर है कि आप लोग जो ख़वातीन हैं और हज़रात हैं अक्सर इस तरह के जो मैरिनेटेड पतीले में जो चीज़ें हैं वो वेस्ट कर देते हैं, लिहाजा आप लोग वेस्ट ना करें, इसको इस तरह आप डाल दें, क्योंकि आपके जो भाई बहन या जो भी हैं जो घर में जॉब कर रहे हैं जो भी हैं वो ये नेमतें हासिल करने के लिए दिन रात हार्ड वर्किंग करते हैं, तो नेमतों को ज़ाया ना करें, कुफरान नेमत में ना जाएं, ठीक है। आप आँच तेज कर देंगे, इसको भूनेंगे, खूब भूनेंगे। भूनने के बाद जब जहाँ पानी थोड़ा सा खुश्क होगा वहाँ पर हल्की आँच पर इसको रख देंगे और हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आपने इसको फोल्ड करना है, आँच देखें अब तेज़ हो चुकी है मेरी, और अब आपने ये देखें बॉयल आ रहा है इसमें, आपने इसी में ही इसको शोर मचाता हुआ जो मसाला है जो शोर मचाएगा चिलचिलाता हुआ वो आपने इस पर उस कंडीशन में ला के थोड़ा सा ये वाला पानी थोड़ा सा डन हो जाए, थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर आप भले इसको दम पर रख दें और आपकी कढ़ाई तकरीबन 10 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद तैयार होगी।
आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि ज़्यादा लोगों तक अपडेट पहुँचे। इस स्टेप पे चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा और टमाटर भी पानी अपना छोड़ेगा, तो आप इसको तेज़ आंच पे बनाएं और 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे करें, उसके बाद हल्की आंच पे रख दें इसको 8-10 मिनट के लिए। पानी जो है हाफ रिड्यूस हो चुका है, अब इस स्टेज पे मैं इसको ढक दूंगा और 10 मिनट बाद मिलते हैं। अब 5 मिनट इसको ढक के बनाने के बाद मैंने खोल दिया है ढक्कन इसका, और अब जो रेस्ट ऑफ द कढ़ाई बनेगी वो ढक्कन खुले ढक्कन के साथ बनेगी, ठीक है। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं फिर। बेस स्टेज पे देख लें कि हमारे जो कढ़ाई है वो रोगन छोड़ रही है, और थोड़ी सी और खुश्क हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो शान कढ़ाई तैयार हो जाएगी फिर। अब इस स्टेज पे इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को पानी में रखने का इसलिए किया था ताकि इसका जो कसैलापन है या जो भी कड़वापन या जो लगती हैं वो जो इसकी ताकत है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हम निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं कढ़ाई में, ठीक है, और इसको ऐसे ही ढक देते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर डिश आउट करते हैं। तो लीजिए हमारी कढ़ाई तैयार है, शान की कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं अदरक से, हरे धनिया से और हरी मिर्चों से। तो शान का कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तैयार है। मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। तो भी इजाज़त चाहते हैं, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको जो है कामयाब करे, कामरान करे, साथ कामला दे और हर आफत और नागहानी से आपकी हिफाजत करे। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।